गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम. इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. एक्सरसाइज 8.1. नाउ वी लर्न व्हाट इज पेरीमीटर. सो द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर. मतलब किसी भी फिगर की, सपोज कीजिए स्क्वायर है, यहां से इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, डिस्टेंस जितनी भी कवर हुई है बाहरी ओर, वापस हम उसी पॉइंट पर आ गए, तो ये फिगर का मतलब कि स्क्वायर, ये शेप का पेरीमीटर कहलाएगा. ओके. द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर. ठीक है, उसकी बाहरी डिस्टेंस जो है शेप की वो कहलाती है पेरीमीटर. फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू टू लेंथ प्लस ब्रेथ. फॉर्मूला कैसे बना ये देखते हैं. इन द रेक्टेंगल शोन द पेरीमीटर विल बी सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स. ठीक है, देयर फोर ये इसकी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है और ये वाली जो है ये इसकी लेंथ है. तो टू लेंथ और टू ब्रेथ हो गई, तो फॉर्मूला क्या आया, टू एल प्लस बी. नाउ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. इन दिस फिगर अ स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड्स, सो दैट इन द स्क्वायर शोन द पेरीमीटर विल बी द सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स. देयरफॉर द पेरीमीटर कितने हो गए, फोर एस. मतलब कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू फोर इंटू साइड. नाउ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ थ्री साइड्स. ठीक है, जो जो आपको साइड्स दे रखी है इनका सम जो है वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे. The length and breadth of some rectangles are given. Find their perimeter using the formula. अभी हमने फॉर्मूला देखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से हम. ए लेंथ दे रखी है 3.5 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर. सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को. लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, फॉर्मूला लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. फॉर्मूला होता है 2l प्लस b. l मतलब लेंथ, b मतलब ब्रेथ. 2 l की जगह जो हमको दिया था वो लिख दिया, b की जगह जो हमने क्वेश्चन में मिला था वो लिखा. मीटर इसकी यूनिट है तो यूनिट हमको हमेशा साथ में लिखना है. 3.5 + 3 एड करा तो आया 6.5. नाउ 2 × 6.5 तो 2 का मल्टीप्लाई किया 6.5 में, वी गेट 13 मीटर. ओके, नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल डी वाला देखते हैं. लेंथ इक्वल्स टू 65 सेंटीमीटर और ब्रेथ इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर. फॉर्मूला लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. एल की जगह हम जो क्वेश्चन में लेंथ दिए वो लिखेंगे, ब्रेथ की जगह क्वेश्चन में ब्रेथ दिए वो लिखेंगे, दोनों को एड करेंगे. 5 और 5 10 कैरी 1, 603 9 और 1 10 तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर. अब 2 का मल्टीप्लाई करना है हमको 100 में, तो आंसर आया 200 सेंटीमीटर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है. द साइड्स ऑफ सम स्क्वायर्स आर गिवन, फाइंड देयर पेरीमीटर यूजिंग द फॉर्मूला. अब साइड्स दे रखी है मतलब क्या फाइंड करना है हमको, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. क्या होता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है 4 × साइड. ये फॉर्मूला है. फर्स्ट साइड दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला है 4 × साइड, 4 as it is और मल्टीप्लाई साइड की जगह जो क्वेश्चन में दिया है 15, तो 15 लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई किया आंसर कितना आया, 15 × 4 = 60, तो आंसर आया 60 सेंटीमीटर. एक और एग्जांपल डी वाला की साइड दे रखी है क्वेश्चन में 6.4 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला लिखेंगे 4 × साइड. साइड की प्लेस पे हमने क्वेश्चन में दिया था 6.4 लिखा, अब 6.4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया आंसर आया 25.6 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज
The sides of some triangles are given. Find their perimeter of the triangle. साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स 3 साइड्स. कौन कौन सी 3 साइड्स है? तो 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर. प्लस करा इसको, आंसर आया 15 सेंटीमीटर. इसका एक और एग्जाम्पल डी वाला देख लेते हैं. 6.3 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर. फॉर्मूला लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स 3 साइड्स. कौन कौन सी साइड्स दे रखी हैं? 3 साइड्स दे रखी है. प्लस किया, आंसर आया 16.3. इनको प्लस करा तो यहाँ पे देख लो 6.6, 5.5. पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. प्रीवियस चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेसिमल वाले एडिशन. 4.2 एड किया सभी को, आंसर आया 16.3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है. द ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये हम देख लेते हैं. गिवन दैट क्या क्या दिया है? ब्रेथ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर. सो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर कितना दिया है? 64. 2 एज इट इज. लेंथ दे रखी है हमें, ब्रेथ दे रखी है लेंथ 2 एंड एज इट इज ब्रेथ की जगह 8 सेंटीमीटर. अब इक्वल्स टू के इधर है 2, यहां लेकर जाएंगे हम इसको अपॉन में, तो मतलब इसका डिवाइड करना है. तो 64 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आया 32 सेंटीमीटर. यहां पर L प्लस 8 सेंटीमीटर. ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, सेम यूनिट से दोनों. हमेशा बिग नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस होता है, तो इक्वल के उधर अगर हम 8 को लेके जाएंगे तो ये माइनस 8 सेंटीमीटर लिखाएगा. तो L इक्वल्स टू कितना आया? 24 सेंटीमीटर. तो L इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. ये क्या आ गई? इसकी लेंथ आ गई. क्वेश्चन नंबर 5 है. राघव वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क हूज साइड्स इज 72 मीटर. इफ ही वॉक्स अराउंड द पार्क 6 टाइम्स हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल. क्या क्या क्वेश्चन में दिया है हमें? कि राघव स्क्वायर पार्क के अराउंड घूमता है, कितना? 72 मीटर. तो साइड कितनी हो गई? 72 मीटर. ही वॉक्स अराउंड द पार्क, कितने टाइम घूमा वो? 6 टाइम. तो 1 टाइम निकालने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू साइड. तो 1 टाइम ही वॉक, तो 4 इंटू 72. साइड कितनी थी? 72. मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 288 मीटर. बट कितने राउंड उसने लिए? 6 टाइम, मतलब 6 राउंड उसने लिए. तो अब 6 टाइम कितना वॉक किया उसने, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से. तो 288 मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर, आंसर आया 1728 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है. फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 20 मीटर एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स इज 5 मीटर एंड 4 मीटर. सो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 20 मीटर और 2 साइड्स दे रखी है, तो 5 मीटर एंड 4 मीटर. फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ 3 साइड्स. तो 1 साइड निकालनी, तो 1 साइड को हम x लिख सकते हैं या फिर कुछ भी हम उसको एक वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है. और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है? 20 मीटर. 1 साइड हमको फाइंड करनी थी, 2 साइड्स दे रखी है, 2 एंड 3 साइड्स 5 मीटर एंड 4 मीटर. 20 मीटर x प्लस 5 और 4 को प्लस करा, कितना आया? 9 मीटर. ये कितना है? ये भी मीटर है, सेम यूनिट है. प्लस के 9 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 20 में से 9 को माइनस करा तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 11 मीटर. तो थर्ड साइड कितनी आ गई? 11 मीटर. अब है क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर. देन फाइंड द रेक्टेंगल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, बट हमको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है. तो हम ट्वाइस दे रखा है, मतलब इसका आधा होगा, तो
60 का आधा कितना होगा? डायरेक्ट 30 सेंटीमीटर. बट हम इसको निकालेंगे कैसे? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हाफ इंटू 60, तो 2 से इसको कट किया या मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 1 2 2 3 6 30. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर. अब फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आया अभी? 30. एल ब्रेथ हमको दे रखी है 3 सेंटीमीटर. 2 इधर आएंगे तो डिवाइड में लगेगा, एल प्लस 3 सेंटीमीटर. 2 को 30 से डिवाइड लगाया, सॉरी 30 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 15 सेंटीमीटर. एल प्लस 3 सेंटीमीटर, दोनों की यूनिट सेम है, प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है. तो एल इक्वल्स टू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग, योर पेंसिल बॉक्स, योर मैथ्स एक्सरसाइज बुक्स, द टॉप ऑफ योर टेबल. ये आपको सेल्फ करना है, खुद को अपने अपने बॉक्स की लेंथ को मेजर करना है स्केल से और खुद से सॉल्व करना है.